हर स्टूडेंट की नज़र में ना दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो होते हैं जी जिगरी, ठीक है, जिनके साथ खून का रिश्ता होता है, और एक होते हैं सौतेले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। आई नो कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो होंगे परेशान होंगे अपने टर्म वन के रिजल्ट को लेकर के, सर पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा कैसा नहीं आएगा, मेरे को पता है बात। बट देखो, टर्म वन जो है वो जा चुका है, ओके, रिजल्ट आएगा। अगर हमें लगा कि अपने अकॉर्डिंग नहीं आएगा हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, बट टर्म वन अभी जा चुका है, ओके। अब उसे भूल जाओ, रात गई बात गई, उसे मिट्टी पाओ, ओके, और टर्म टू पे लग जाओ। क्योंकि अभी जो हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चल रही है उसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम टर्म टू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें, और उसी जोश के साथ प्रिपेयर करना शुरू कर दें जो जोश दो तीन दिन पहले हमने एग्जाम में दिखाया था, ठीक है। चलो जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई। तो चलो जी, वीडियो करते हैं शुरू। तो बेसिकली मैंने लिस्ट बना रखी है, ओके, कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी। तो पहली गलती तो है जो हम करते हैं, हर एक बच्चा करता है, वो करता है भेदभाव, ठीक है। हर स्टूडेंट की नज़र में ना दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो होते हैं जी जिगरी, ठीक है, जिनके साथ खून का रिश्ता होता है, और एक होते हैं सौतेले, ओके। आई होप बहुत सारे बच्चे मेरी बातों को पहले ही समझ गए होंगे। अब जिगरी कौन होते हैं जिनके साथ खून का रिश्ता होता है, वो होता है जी मैथ और साइंस। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो हम डेली करते हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है आप इनको डेली करते हो। बट कुछ सब्जेक्ट को हम समझते हैं सौतेले, जो कि है जी हिंदी, इंग्लिश और हमारा सोशल साइंस, इसको हम सौतेला समझते हैं। बिल्कुल डेढ़ महीने पहले एग्जाम से याद आता है कि हाँ यार ये वाली बुक भी पढ़ी हुई है, इसका भी एग्जाम होना है, और फिर हम उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो ये मत करो, क्यों मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैथ और साइंस मत करो, ये गलती बिल्कुल मत करना। मैथ और साइंस आपको डेली करनी है, बट आप बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितना आप मैथ और साइंस पे ध्यान दे रहे हो, उससे अगर आप 50% भी ध्यान अगर आप अपने मैथ में, सॉरी सोशल साइंस में, इंग्लिश में और हिंदी में दो ना, तो आप तबाही मचा सकते हो एग्जाम में। अब मैं रिजल्ट का कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सीबीएसई का भरोसा नहीं है ना कि टर्म टू में भी आंसर की कैसे निकाल दे। तो समझ आ गया ना आपको, आपको भेदभाव नहीं करना, सारे सब्जेक्ट को साथ में लेते हुए चलना है। अगर आप डेली मैथ और साइंस कर रहे हो, तो कम से कम दो दिन में एक बार सोशल साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की बुक तो उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल एग्जाम से डेढ़ महीने पहले पता चल रहा हो कि यार ये भी बुक है, फिर उसको ढूंढो, फिर झाड़ो, क्योंकि धूल लग गई होगी, है ना, सोशल साइंस की, इंग्लिश की और हिंदी की बुक पे। तो ये नहीं होना चाहिए, सबको शुरुआत से ही आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ओके। चलो जी, दूसरी चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें शुरू से ही करना जो है वो चाहिए, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर वाला पोर्शन, व्याकरण वाला और ग्रामर वाला पोर्शन। एक दिन में ग्रामर वाला पोर्शन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जैसे मैंने बोला एक सौतेला सब्जेक्ट है, तो ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम से डेढ़ महीने पहले याद आता है। और डेढ़ महीने पहले भी नहीं, वैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर बिल्कुल एक दिन पहले याद आया था मेरे को कि हाँ इसकी बुक पढ़नी है, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि फिर हमें एग्जाम में दिक्कत आती है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमें ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो अच्छे से कवर करना है, क्योंकि लिटरेचर फिर भी हो जाता है और इस टाइम तो सब्जेक्टिव है, लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो पहले से ही कवर करके चलो, क्योंकि इस बार MCQ नहीं है, चार में से एक तुक्का नहीं फेंकना, खुद आंसर लिखना पड़ेगा, ओके। आई होप ये बात आपको पता चल गई। और जो तीसरी बात है वो है जी फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो तीन चार दिन पहले हमारा जो बिल्कुल पागलों वाला फ्लो बना हुआ था, रात को हम जग के पढ़ रहे थे, ठीक है, सुबह का पता नहीं था, रात का पता नहीं था, पढ़े जा रहे थे, उसी फ्लो से आप शुरू कर दो अभी। देखो मैं चाहता ये वीडियो एक हफ्ते बाद भी अपलोड कर सकता था, ठीक है, कुछ बच्चे एक हफ्ते बाद ही चाहेंगे, बट ये वीडियो अपलोड करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जितना जिस जोश से आप पढ़ रहे थे ना टर्म वन में, वो जो है वो कम पड़ता जाएगा, मतलब बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, ऐसे डाउनवर्ड एरो जा रहा है उसका। अगर जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतना ज़्यादा फ्लो नीचे जाएगा, ठीक है। तो आप उस फ्लो को बरकरार रखो और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इस टाइम में ना उस फ्लो को मतलब सस्टेन करना बहुत ज़्यादा इजी है। बट जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे लगता जाएगा कल पढ़ेंगे, और फिर जब पढ़ोगे आप, फिर एक घंटे, फिर दो घंटे, फिर तीन घंटे, ऐसे। तो ऐसा मत करो, शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दो सेम फ्लो के साथ, ठीक है। इसलिए बिल्कुल दो तीन दिन बाद ही ये वीडियो अपलोड कर दिया एग्जाम से, ओके। और जो चौथी चीज़ है और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो हमारा जो टर्म वन था वो ऑब्जेक्टिव था, टर्म टू है वो है जी सब्जेक्टिव, ठीक है, आपको ये बात पता है। अब देखो टर्म वन में ना हमने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आंसर के फॉर्मेट पे, क्योंकि अपने को पता है जी MCQ आ रहे हैं, भर देंगे जो भरना है अपने को, है ना, चार में से एक ऑप्शन कर देंगे। बट अब देखो सब्जेक्टिव में एक चीज़ जो है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अब है ना आप पहले से ही तैयारी करके रखो। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अब है ना आप जैसे हिस्ट्री का चैप्टर उठाओगे, नेशनलिज्म इंडिया वाला चैप्टर उठाओगे, तो जब आप वो चैप्टर उठाओगे
तो और मान लो रॉलेट एक्ट वाला टॉपिक पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो एग्जाम में रॉलेट एक्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे किस फॉर्मेट में आंसर लिखना है, किस किस चीज को अंडरलाइन करना है, किन किन डेट्स को लिखना है। ये चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 3 नंबर में इतना लिखना है, 5 नंबर में इतना लिखना है, इतने पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको मान लो जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसका कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, किस किस चीज को अंडरलाइन करना है, डेट कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और डेट के बारे में बता दूं कि पहले से ही लर्न करते हुए चलना, ये कुछ चीजें होती है जो पहले से ही लर्न करते हुए चलो, फॉर्मेट जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक सब्जेक्टिव आंसर का, ये सारी चीजें आप पहले से क्लियर करके चलोगे ना तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पता क्या होता है एग्जाम टाइम, मतलब अभी हमें ना क्या करते हैं पढ़ना शुरू कर देते हैं, अच्छे से कवर करते हैं, है ना, बिना फॉर्मेट के भी ऑब्वियसली बात आप अच्छे से करोगे, बट जब एग्जाम टाइम आता है ना तो हम क्या करते हैं जो हमने पढ़ा हुआ होता है ना उसका फॉर्मेट बनाने के, उसको आंसर के फॉर्मेट में उतारने की कोशिश करते हैं और वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, है ना। बट अगर आप पहले से ही ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलोगे कि एक फॉर्मेट के साथ आंसर लिखते हुए चलोगे, टेस्ट वगैरह भी होंगे आपके बीच बीच में, तो जब आप एक सब्जेक्टिव आंसर का फॉर्मेट बनाते हुए चलोगे तो शायद फाइनल में इतनी दिक्कत ना आए। कम मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम बच्चे पता है क्या होते हैं, उनके नंबर इसलिए कटते हैं क्योंकि उनका अपेयरेंस जो होता है, मतलब जो जिस तरीके से वो आंसर लिखते हैं प्रेजेंटेशन, वो इतनी अच्छी नहीं होती। ये बात शायद आपको पता होगी, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है सर इस वाले मैंने भी यही लिखा था, उसने भी यही लिखा, उसको ज़्यादा मार्क्स, मेरे को कम मार्क्स क्यों, क्या पता उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। टीचर के सामने इमेज मैटर करती है बट प्रेजेंटेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो किस तरीके से आप आंसर लिखते हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो वैसे मैं बना दूंगा कि आप आंसर कैसे प्रेजेंट कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते, बट इन चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट जो पांचवी चीज़ है दैट इज़ रिवीजन। आपको रिवीजन जो है वो शुरू से करनी है, ठीक है। अच्छी बात है कि बिल्कुल अभी से ही आप ये जान लो कि आप जो जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, SST की, साइंस की, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो, शेड्यूल बनाओ, अपने टाइम टेबल में उतारो। टाइम टेबल अगर आप बना रहे हो तो टाइम टेबल में रिवीजन टाइम पक्का इंक्लूड करो। और टाइम टेबल बना रहे हो तो एक बात आप ध्यान से सुनो कि टाइम टेबल को स्ट्रिक्ट मत बनाओ। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, टाइम टेबल को स्ट्रिक्ट नहीं, टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और अगर आपको टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है तो टाइम टेबल का स्ट्रिक्ट होना थोड़ा सा दिक्कत देगा, तो इसलिए टाइम टेबल को स्ट्रिक्ट मत बनाओ, टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए अगर आपने इस चीज़ को ध्यान रखा तो। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, छठा पॉइंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर ट्रस्ट CBSE। बिल्कुल भी CBSE पे कभी भी ट्रस्ट मत करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि जी टर्म टू में थोड़ा इजी पेपर बनाएंगे, सब्जेक्टिव है हमारे पे थोड़ी दया करेंगे, तो भूल जाओ, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं ये भी नहीं बोल, क्या पता ऐसा हो कि जो पढ़ाया ना वो दे दे, तो अपने को तो पूरे अच्छे से ही प्रिपेयर करके जाना है। हमें ये नहीं सोचना कि जी ये जो है वो मतलब एग्जाम में नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता एग्जाम में, इतना टफ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना लेवल वाला सब आ सकता है। आप ये मत सोचो, CBSE जो है वो कुछ भी कर सकती है, जब वो आंसर की में इतनी गलतियाँ कर सकती है तो फिर क्वेश्चन में तो फिर कुछ भी कर सकती है। तो आपको ट्रस्ट कभी नहीं करना CBSE पे, आपको पहले से ही इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटी से छोटी डेट, छोटी से छोटी चीज़ और बड़े से बड़ा आंसर, सब कुछ आपको कवर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, इंपॉर्टेंट, ये मत करो, ठीक है। आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके चलो, क्योंकि CBSE का हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो, कुछ ऐसे पॉइंट हो जो आपको लगे कि हाँ यार ये गलतियाँ ना मैं करता हूँ और ये बाकी स्टूडेंट भी करते हैं, और अगर मैं ये गलतियाँ बता दूँ तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बाकी नहीं करेंगे, तो आप वो चीज़ें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप स्टूडेंट हो, आपको अपने दोस्तों के बारे में, अपने आस पास जो 10th में पढ़ते हैं उनके बारे में ज़्यादा अच्छा पता होगा कि यार ये चीज़ें अगर मैं पहले से ध्यान रखता ना तो शायद मेरे को इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती, तो वो चीज़ें भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी आपको पता ही है हमारे अलग अलग चैनल है, मेन पॉइंट टेक है, मेन पॉइंट गेमिंग है, यूनिक वर्ल्ड है, ओके, ये और साथ में व्लॉगिंग चैनल है और मेन पॉइंट टेक बता चुका हूँ। इन सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब धीरे धीरे मैं उन पे भी वीडियो डालना शुरू करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि सारा का सारा ध्यान जो है अभी स्टडी चैनल पे था, उसी पे वीडियो अपलोड कर रहा था। अब बाकी मेन पॉइंट टेक पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वीडियो एडिटिंग कैसे करते हो आप, वो बताओ, ठीक है। मैं अपनी यूट्यूब की अर्निंग तो वहाँ पर बता ही चुका हूँ, एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्टॉक मार्केट क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, ये चीज़ें मैं बता दूँ। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो ना, सबको पता होता है स्टॉक मार्केट क्या होता है क्या नहीं होता, बट हमारे बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें हैं हमारे, एक तरह से कह सकते हो एडुकेशन सिस्टम में, बट हमारी तरफ से भी एक गलती है कि हम इनिशिएट नहीं लेते, तो सीखो, इसलिए मेन पॉइंट टेक वाला चैनल बनाया, 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर उस पर हो चुके हैं। बाकी मेन पॉइंट गेमिंग है, कभी खेलने का मन करे तो आ जाना वहाँ पर, और ब्लॉगिंग वाला चैनल है, ठीक है।
तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप लग जाओ जी, सेकेंड टर्म के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। मैं जल्दी ही सेकेंड टर्म की एक टर्म टू का जो भी सिलेबस है उन सबकी वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।